एंड स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल लेटेस्ट नर्सिंग में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ मेरे दोस्तों, और ये सभी CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए है। और आप सबको पता होगा अब जो CHO होता है उसको टेली कंसल्ट का काम भी करना होता है। ठीक है दोस्त, तो ये क्या है टेली कंसल्ट और कैसे करते हैं, कब करते हैं, किससे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। पूरा वीडियो को देखिएगा और आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या होता है टेली कंसेंट, ई संजीवनी और डॉक्टर परामर्श। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक CHO होता है या एक ANM होती है, उसके साथ में एक पेशेंट होता है। उस पेशेंट की बात किसी PSC, CSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर बैठे डॉक्टर से बात करा जाती है। पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में बताता है और उस बीमारी का डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है। इसी को हम टेली कंसल्ट बोलते हैं दोस्तों। और ये कैसे करते हैं, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से या आपके पास टैब होगा उससे, ANM के पास भी टैब होता है, उससे आप ये टेली कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको शुरू से लेके एंड तक बताऊंगा, सारी प्रक्रिया बताऊंगा कैसे कैसे करेंगे और क्या क्या इसमें करना पड़ेगा आपको, वो सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताऊँगा दोस्तों। जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ई संजीवनी को लॉगिन करना पड़ता है। इसके पासवर्ड और ID आपको मिले होंगे PSC से, जो भी CHO होता है या ANM होती है। सबसे पहले इसमें पासवर्ड डालेंगे, इसमें यूज़र नेम डालेंगे, उसके बाद में पासवर्ड डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, लॉगिन करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे आपके पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। उसके बाद में देख सकते हो आप यहाँ पे ऊपर, आपके यहाँ ऊपर ये आपके सेंटर का नाम आ जाता है। उसके बाद में यहाँ से ये ID लॉगिन होती है उसका नाम आ जाता है। उसके बाद में जो मेन चीज़ होती हैं ये यहाँ पे होता है रजिस्टर न्यू पेशेंट और रजिस्टर पेशेंट, जो पहले से पेशेंट रजिस्टर्ड हुए हैं वो इसमें आते हैं, और जिनको आप रजिस्टर करना होता है वो यहाँ पे करने होते हैं दोस्तों। ठीक है, और देखने हटाने के लिए इसको यहाँ पे क्लिक करनी पड़ेगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम काम करेंगे, जैसे हमें न्यू पेशेंट रजिस्टर करना है, ठीक है, हमने इस पर क्लिक की, सॉरी दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पेशेंट पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे ऐसा देखोगे, यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसी पेशेंट का क्या नाम है, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जो आपके पास पेशेंट आएगा उसका नाम आप लिख देते हो। आप नाम लिख सकते हो उसका उदय सिंह। उदय, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको इसको थोड़ा साइड चेंज करता हूँ इसकी, जिससे आपको कम्प्लीटली दिखे, ऐसे आपको दिखेगा नहीं ये। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा। फर्स्ट नेम क्या हो सकता है, उदय। उसके बाद में उदय लास्ट नेम डालना पड़ेगा, उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, मिडिल नेम का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद में उसके फादर्स नेम का आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, जो जिसका पति हो, माता हो, जो भी हो उसको डाल लेना है। जैसा आप सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे, तो हमें फादर का नाम लिखना पड़ेगा इसमें, फादर का नाम लिख देंगे। फादर का नाम है भानु प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे, उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एज, उम्र कितनी हो गई, उम्र हो गई इनकी 56 साल हो गई है। हाँ 56, यहाँ पे महीने भी डालने पड़ेंगे आपको, 2 महीने। उसके बाद में जैसा आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इसमें जिस ऑब्जेक्शन के ऊपर रेड लगा हुआ है, जैसे एज के ऊपर यहाँ पे रेड लगा हुआ है, तो ये नेसेसरी है, ये आपको भरने पड़ेंगे। अदर जो हैं उनके ऊपर रेड नहीं लगा हुआ, रेड स्टार नहीं लगा हुआ, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन ये आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों,
जी। उसके बाद में एज भर दी हम लोगों ने, और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको मेन मेन चीज़ बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पे भरनी है। जेंडर क्या है? मेल, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ये रेड लगा, तो आपको वहाँ का एड्रेस डालना है, आप कहाँ के CHO हैं, कौन से गाँव के हैं, और इस गाँव का नाम डालना है जहाँ पर आपका सामुदायिक स्वास्थ्य भवन है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद में आप एड्रेस दूसरा भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप स्टेट डालोगे बिहार, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है डिस्ट्रिक्ट भी डालोगे। डिस्ट्रिक्ट आपको सारे ऑप्शन आपके लिए आ जाएंगे यहाँ पे, और आप आराम से भर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे पिन भी डालना पड़ेगा आप लोगों को। तो उसके बाद में हमने सारी डिटेल भरने के बाद में यहाँ पे एक बार चेक करेंगे कुछ गलत तो नहीं भर दिया है, और अच्छे से देख के उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो रजिस्टर का ऑप्शन है, ठीक है। आपको रजिस्टर करने से पहले देख लेना है कि हमारा नाम गलत तो नहीं है, ये गलत नाम को नहीं लेता है, ठीक है। तो हमें नाम सही करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पेशेंट रजिस्टर्ड हो गया है, और अब आपको कॉल लगानी है। तो कॉल आपके पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, अब आपको कॉल लगानी है, जो उदय राम सिंह लिखा हुआ है इसको आप लेफ्ट साइड में ऐसे करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में इधर कीजिएगा। तो लेफ्ट साइड करने के बाद में आपको क्रिएट केस पे क्लिक करनी पड़ेगी। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये क्रिएट केस है, यहाँ पे आपको क्लिक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दी, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाए, जेंडर मेल है, 56 साल है इनकी, मोबाइल नंबर है। तो उसके बाद में इनको दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इनको फीवर है दोस्तों, फीवर। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, और आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, फीवर है और इनके सिर दर्द भी है, ठीक है दोस्तों, हेडेक, ठीक है। उसके बाद में कितने दिन से ये प्रॉब्लम हो रही है इनको, जैसे कि 3 दिन से प्रॉब्लम हो रही है, 3 दिन से प्रॉब्लम हो रही है इनको, तो 3 डेज डाल देते हैं। और अगर किसी को एलर्जी है, और किसी का एग्जामिनेशन किया है, डायग्नोस्टिक किसी के पास जांच है, मेडिकल रिकॉर्ड हैं, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप सारे इन सभी में भर सकते हो दोस्तों। जैसे एलर्जी है तो किस चीज़ से एलर्जी, कब से है, वो सारी चीज़ें इसमें आप भर सकते हो, ठीक है। इसमें सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, एग्जामिनेशन कर सकते हो, और डायग्नोसिस भी है, ठीक है, एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, मेडिकल रिकॉर्ड भी है, क्वेरी। उसके बाद में आपने फीवर और हेडेक डाल दिया, उसके बाद में इंटर क्योरी, आपको यहाँ पे क्योरी डालनी पड़ेगी। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट आई डू, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ कहाँ से है, पटना से है, आप जिस स्टेट में रहते हो दोस्तों, वहाँ के हेल्थ फैसिलिटी, जिस डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ फैसिलिटीज़ होगी, वहाँ का आपके लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, उसके बाद में सेलेक्ट डॉक्टर, यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्टर हैं, यहाँ पे आपको डॉक्टर देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे 4 डॉक्टर ऑनलाइन हैं, ठीक है। उसके बाद में हम किसी भी डॉक्टर पे कॉल लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो रेड आप देख पा रहे हैं, ये रेड अभी जो डॉक्टर हैं वो बिजी हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं। अगर ये पीला हो जाएगा, उन सर की बात किसी अदर से बात ख़त्म हो गई है, और वो ग्रीन होने वाला है, जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक आप कॉल कनेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। ये ग्रीन हो जाएगा तब आप कॉल कर सकते हो, तो हमें तब तक वेट करना पड़ेगा। ये ग्रीन होते ही हमें यहाँ पे ये जो कॉल है इस पर हमें क्लिक कर देना दोस्तों, और तुरंत ही आपकी कॉल डॉक्टर से लग जाएगी, और आप आराम से देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों, और आप लोग सीख गए होंगे, और टेली कंसल्ट करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। अगर फिर भी आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो, और प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि क्योंकि टेली कंसल्ट अब बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।